मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का पहला कॉल। जल्दी उठाओ। हेलो मां शंकर, अंकल प्लीज हमारी मदद कीजिए, मैं मुश्किल में जा रहा हूं। एक्सीडेंट होने वाला है, मेरे ड्राइवर का हार्ट अटैक आ गया है। देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही ढंग से। हेलो प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज अंकल जल्दी आइए प्लीज। आप लोग इस वक्त कहाँ हो? मुझे अपनी लोकेशन भेजो अभी जल्दी। कोशिश कीजिए अल्ताफ भाई। मैं तुमने उस नंबर पे लोकेशन भेज दी? हाँ मैंने लोकेशन भेज दिया, अभी कॉल करता हूँ। जल्दी करो, जो भी करना है। मैं रुक जाओ। कनक, हाँ मां। कनक उस नंबर पर कॉल करो जल्दी। हाँ। कम ऑन फोन उठाइए जल्दी प्लीज। हेलो, यस हम लोग बस अभी पहुंच रहे हैं, आप लोग प्लीज तब तक बस को संभालो प्लीज। ड्राइवर की हालत बहुत खराब है, कभी भी बेहोश हो सकता है ड्राइवर, और बस तो बहुत स्पीड में है। आप प्लीज प्लीज जल्दी आइए। ओके 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 फाइन। क्या हुआ उमा? थोड़ा जल्दी करिए, वहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अल्ताफ भाई, अल्ताफ भाई। अच्छा उमा सुनिए, मैं जीपीएस देख रही हूँ, आप उस हिसाब से चलिए। अल्ताफ भाई अब होश में आइए, कोशिश कीजिए, संभालिए अल्ताफ भाई। कनक, हाँ उमा, पुलिस को फोन करके सारी सिचुएशन समझाओ और उन्हें वहीं बुला लो। हाँ। अब आप आगे से लेफ्ट लेना, ठीक है, शॉर्टकट है। हाँ। उमा का फोन आ रहा है। हेलो, हमारा ड्राइवर बेहोश हो चुका है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप प्लीज जल्दी आइए, बस आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। ओ गॉड, ठीक है आप लोग हिम्मत रखिए, हम लोग पहुंच रहे हैं। और आप प्लीज स्टीयरिंग संभालने की कोशिश कीजिए प्लीज। कनक उसे कहो हम ज्यादा दूर नहीं है, बस पहुंच रहे हैं। हम लोग ज्यादा दूर नहीं, बस पहुंच रहे हैं। उमा थोड़ा जल्दी चलो। सब बच्चों को पानी पिलाइए। ठीक हो बच्चों? इनके जूते और मोजे उतारो और इनके पैर रगड़ो जल्दी।
आप ठीक तो हैं? इन्हें पकड़ो पीछे से। कनक अभी खतरे से बाहर है। थैंक गॉड हमें आने में बिल्कुल देरी नहीं हुई, एक मिनट की भी नहीं। हाँ उमा। थैंक्स तो बहुत छोटा शब्द है आपके लिए। आपने सिर्फ इन्हीं की नहीं, इन सब छोटे छोटे मासूम बच्चों की भी जान बचाई है। थैंक यू सो मच। ये तो मेरा फर्ज था। ये मेरी सबसे फेवरेट पेंसिल है और ये मैं किसी को नहीं देता हूँ, इसलिए स्पेशल गिफ्ट आपके लिए। थैंक यू सो मच। मैं कमल मिस्टर सिटी। वेलकम मिस्टर उमाशंकर, वेलकम। थैंक यू। प्लीज श्योर। सो मिस्टर उमाशंकर, आप तो ये अच्छे से जानते हैं कि हमारी कंपनी देश के मेडिकल जगत में अच्छा खासा मार्केट शेयर करती है और ढेरों बेस्ट मेडिसिन मैन्युफैक्चर करती है। यस नो मिस्टर सिटी, मैं आपकी कंपनी के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। वैसे आपके बारे में भी बहुत सुना है, वन मैन आर्मी है आप। आज के सारे न्यूज़पेपर्स के फ्रंट पेज पर आप ही आप छाए हुए हो, स्पेशली वो दैट मोबाइल बाइक एम्बुलेंस वाली आइडिया के साथ। एक्सीलेंट। थैंक यू मिस्टर सिटी, इस शहर को मोबाइल बाइक एम्बुलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ऑफ कोर्स, बट चैरिटी के साथ साथ लाइफ में एक सिक्योर इनकम और घर चलाना भी मायने रखता है। जी उसके लिए मेरा आयुर्वेदिक क्लिनिक है जो मैं चलाता हूँ। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छी ऑफर है, जनरल मैनेजर ऑफ बेनफेक्सी, ऑल फैसिलिटीज पैकेज के साथ 15 लाख सैलरी पर मंथ। एक्सक्यूज मी। हेलो उमा जी, मैं रघुनाथ बोल रहा हूँ, मेरा अभी भी अंबेडकर रोड पे एक्सीडेंट हो गया है, क्या आप यहाँ आ सकते हैं? जी हाँ मैं वहां पहुंचता हूँ, आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दीजिए। थैंक यू। आई एम सॉरी मिस्टर सेठी, पर मुझे इमीडिएटली जाना होगा। थैंक यू फॉर योर ऑफर। आप चाहो तो आपकी सैलरी मैं और बढ़ा सकता हूँ, और आप अपना वो मोबाइल बाइक एम्बुलेंस वाला भी काम करते रहना, जस्ट लाइक अ पार्ट टाइम। आई एम अ डॉक्टर मिस्टर सेठी, लोगों की जान बचाना मेरा काम है। आप चाहे तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, पर मुझे आपको ज्वाइन करना इम्पॉसिबल। डोंट वरी, मैं एक बार अच्छे से सारी डिटेल्स पढ़ लेती हूँ। थैंक यू मैम। जी वन मिनट प्लीज वेट। ये है मोबाइल बाइक एम्बुलेंस के पैम्फलेट्स, अपने सर्कल में जितना ज्यादा हो सके प्लीज इन्हें सर्कुलेट कीजिए। शहर में किसी को भी कभी भी किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी हो तो जल्द से जल्दी हेल्प वहां पहुंच जाएगी, बस आपको इस नंबर पे कॉल करना। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस सेवा का कोई भी चार्ज नहीं, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जी मैम। अर्पिता जी आप प्लीज कम। नमस्ते, वो एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि मोबाइल बाइक एम्बुलेंस के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयरनेस, अब वो उसका फायदा उठा सके, इसलिए मैंने इन्हें ये पैम्फलेट्स बांटने के लिए दिए। क्या हुआ मैम, मैंने कुछ गलत किया क्या? Do you really think कि तुम्हें मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत है कनक? जो काम सरकार को करना चाहिए वो तो उमा शंकर ने कर दिया। आई एम रियली रियली वेरी प्राउड ऑफ यू बोथ। बट डू यू नो व्हाट, अच्छाई सिर्फ किताबों और सोशल मीडिया में अच्छी दिखती, असल जिंदगी में नेकी के रास्ते पे चलना आसान नहीं होता, और खास करके हमारे समाज में बुराई से ज्यादा दुश्मन अच्छाई के होते हैं। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़े घाव हैं
पर चोट गहरी नहीं है। तुम ठीक हो ना बेटा? हाँ माँ, मामूली चोट है, ठीक हो जाएगा। समय पे दवाई देते रहना, मैं दवाइयाँ लिख देता। मेडिकल और एजुकेशन सेक्टर में धांधलियाँ टॉप लेवल पर होती है, और जब उनकी तिजोरियाँ खाली होने लगती हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं कनक, कुछ भी, कहीं भी, कैसे भी। जिस नेकी के रास्ते पे तुम लोग चल रहे हैं, उसमें बहुत मुसीबतें आएंगी, और इसलिए मैं तुम्हें अभी से अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। हेलो, क्या कहा? गांव गहरे नहीं है जी। फर्स्ट एड कर दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गांव भर जाएंगे। और माता जी, अंदर की चोटें हुई तो मामला सीरियस हो जाएगा, समझ रहे हैं आप? क्योंकि सर के अंदर की चोटें दिखाई तो देती है नहीं है? इसलिए इसका पूरा MRI और CT स्कैन कराना पड़ेगा। इसे जल्दी से CPZ हॉस्पिटल लेकर चलो। ओ माता जी, सोच क्या रही हो, चलो बॉयज, स्ट्रेचर लेकर आओ। भैया, इसे कुछ होगा तो नहीं? अरे माता जी, बातों में टाइम खराब करोगे तो जरूर कुछ हो जाएगा, और बाकी बातें डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। चलिए, चल बेटा, चल चल बेटा, चल चलो। माजी, माजी संभालिए अपने आप को। देखिए, आप घबराइए मत, आपके बेटे को भारी चोट लगी है। तसल्ली के लिए अगर आप चाहें तो एक्सरे करवा सकती हैं, ठीक है? ए, क्या? हाँ, जिसे देखो डॉक्टर बन जाता है, तू है कौन? अरे पिताजी, उमा जो कर रहे वो पूरे दिल से कर रहे, उनकी नीयत और सोच बहुत सच्ची है, इसलिए दुनिया की कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं सकती। मुझे पूरा भरोसा है उन पे। मैं भी यही चाहती हूँ कन्हा। आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ, उमा शंकर तोशनीवाल, 12 साल का मेडिकल एक्सपीरियंस है। नब्स देखकर बीमारी बता देता हूँ। माँ जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। देखिए, कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, आप इसे घर ले जाइए, जो दवाइयाँ मैं दे रहा हूँ उससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठाकुर जी महाराज, आपका भला करें बेटा, आपको देने जितनी फीस तो मेरे पास नहीं है बेटा, ये कुछ है मेरे पास, थोड़े रख लीजिए। मेरी कोई फीस नहीं है, अगर आप देना ही चाहती है ना तो ढेर सारा आशीर्वाद दे दीजिए। देखो बेटा, अभी मैं अस्पताल जाती तो ये लोग जितना मांगते, मुझे भी कैसे भी करके उनको देना पड़ता। आपका बहुत बहुत आभार, भगवान आपको सुखी रखे, खुश रखे। आपका भी बहुत बहुत आभार। आइए, चलिए चलिए। गिफ्ट मेरी तरफ से उमा शंकर को दे देना। विघ्नहर्ता सारे विघ्न दूर करेंगे। का मसीहा तो हमारी दुकानें बंद करवा दे, ऐसे में तो कोई हॉस्पिटल आएगा ही नहीं। उसका इलाज कौन नहीं चाहता? इसने मेरा आज तगड़ा कमीशन मारा। इस मोबाइल बाइक एम्बुलेंस का जल्दी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे मर जाएंगे हम लोग। इसे रोकना है तो जरूर कुछ सोचना पड़ेगा। घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।